हाँ जी बेटा, हुन कर दें आपां नेक्स्ट 11th सम एक्सरसाइज 6.3 दा। स्टेटमेंट है, इन फिगर ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रीएंगल ए बी सी। कि आपां जिहड़ी ट्रीएंगल आ ए बी सी किहड़ी ट्रीएंगल आ, आइसोसेलिस ट्रीएंगल आ। आइसोसेलिस मतलब इहदियां दोनों साइड दो साइड्स की लेंथ की होगी इक्वल, यानी कि आपां कह सकते हैं कि जिन्ना ए बी होगा उन्ना की होगा ए सी होगा, राइट। यानी कि ए बी इक्वल कि ए सी दे। इफ ए डी परपेंडिकुलर कि हो बी सी, ए डी जो परपेंडिकुलर आ कहते आ बी सी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल आ। और ई एफ जो परपेंडिकुलर कि हो सी, यानी ए भी 90 डिग्री का एंगल आ। तो प्रूव आपने करना है कि ट्रीएंगल ए बी डी सिमिलर हो ट्रीएंगल ई सी एफ दे। ए बी डी यानी कि आ वाला ट्रीएंगल ए सिमिलर होना चाहिए कि ट्रीएंगल दे ई सी एफ दे, यानी कि ए वाले ट्रीएंगल दे, राइट बेटा। सो इनू प्रूफ करन दे लई सब तो पहला जो जो भी गिवन है आपां उन्नू लिख लईए। गिवन हैगा आपां नूं ट्रीएंगल ए बी सी, किहड़ा ट्रीएंगल आ आइसोसेलिस ट्रीएंगल, ट्रीएंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रीएंगल आ, जिहदे विच ए बी आपां नूं किहदे इक्वल दित्ता वा ई सी दे, राइट। ये दोनों चीज़ां सेम ने, और नाल दी नाल आपां नूं पॉइंट दित्ता उहने ई इज़ अ पॉइंट, यानी इन्हू प्रोड्यूस किया गया आ ऑन साइड केड़ी ते बी सी दे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपां नूं गिवन आ कि ए बी जिहड़ा आ सॉरी ए डी परपेंडिकुलर आ किहदे ते बी सी ते, और ई एफ जिहड़ा परपेंडिकुलर आ किहदे ते ए सी ते, राइट। हुण जो जो आपां ने प्रूफ करना है पहलां वह लिख लैंदे आ, फिर आपां किवें प्रूफ करांगे। ओ प्रूव करना आपां ने ट्रीएंगल ए बी डी सिमिलर होना चाहिए ट्रीएंगल ई सी एफ दे, राइट। हुण अपने कोल प्रूफ की आ, जिहड़ी चीज़ गिवन आ सी उहनू ही प्रूफ मन के चलते हैं, तो उत्तों ही आपां अपने रिजल्ट ते पहुँचते हैं हमेशा। प्रूफ आपां नूं जिहड़ी गिवन चीज़ा मेनली तो यही आ कि आह दो एंगल 90 डिग्री दे आ, इह हैल्प करनगे सानूं इन्हां दोनों ट्रीएंगल्स नूं सिमिलर प्रूफ करन दे विच। दूसरी चीज़ है आइसोसेलिस ट्रीएंगल आ। बेटा आपां छोटियां क्लासेस ये चीज़ की है कि अगर ये आइसोसेलिस ट्रीएंगल आ दोनों ओपोजिट साइड्स इक्वल ने, तो इन्हां दे ओपोजिट एंगल भी की हुंदे आ, इक्वल हुंदे आ ना, क्योंकि आपां ट्रीएंगल्स किहड़ी प्रूफ करनी ए बी डी, ए बी डी ते इहदे विच एंगल किहड़ा आंदा बी, ते दूसरी किहड़ी करनी ई सी एफ ते इहदे विच एंगल किहड़ा आंदा सी। सो दैट मीनस असीं 90-90 तां आपां देखी रहा एक, ते एंगल एंगल दे नाल आपां इहनूं बड़े आराम नाल प्रूफ कर सकते हैं सिमिलर। सो उहदे वास्ते प्रूफ की आ अपने को, ट्रीएंगल ए बी सी की आ इज़ एन आइसोसेलिस ट्रीएंगल, देयरफॉर ए बी किहदे इक्वल होगा ए सी दे, एंड एंगल बी जिहड़ा आ ओह इक्वल किहदे होगा एंगल सी दे। आपां इत्थे रीज़न दे सकते हैं बिकॉज ट्रीएंगल की है आइसोसेलिस है, तो ओपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रीएंगल आर ऑलवेज इक्वल, आपां दे सकते हैं इत्थे ओपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रीएंगल इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है बेटा, रीज़न दे सकते हैं। हुण आपां गल करते हैं जिहड़ी जिहड़ी ट्रीएंगल आपां ने प्रूफ करनी आ, इन ट्रीएंगल ए बी डी एंड ट्रीएंगल ई सी एफ। हुण देखो ए बी डी और ई सी एफ, राइट। तो सब तो पहला तो आप सानू यही चीज़ मिल गई एंगल बी के इक्वल आ एंगल सी दे, क्योंकि ये एंगल बी आता पाया ट्रीएंगल ए बी डी दे विच, ते दूसरी दे विच की आता पाया ई सी एफ, बी के इक्वल आ सी दे आ। इनू आपां नंबर वन दे दिने आ, रीज़न आपां दे दिने आ फ्रॉम वन, राइट। तो दूसरी चीज़ आपां नूं पता कि एंगल डी ते एंगल ई, इस ट्रीएंगल का एंगल डी ते इस ट्रीएंगल का एंगल ई, यानी डी दे कोरसपोंडिंग की आ रहा एफ, ये दोनों की ने इक्वल ने। एंगल डी के दे इक्वल आ जूगा एंगल एफ दे, रीज़न की आ दोनों एंगल किन्ने डिग्री दे ने 90 डिग्री दे। ना पता चले बेटा तो इनू आपां साइड दे ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ट्रीएंगल्स नूं साइड्स दे ड्रॉ करके तुसीं प्रॉपरली इस चीज़ नूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी ट्रेंगल अपने कोल है ई सी एफ, क्योंकि इहदा बी ते सी एंगल सेम आ गया, डी ते एफ एंगल दोनों सेम आ क्योंकि ये की आ दोनों 90 डिग्री दे आ, ठीक है। सो हुण आपां कह सकते हैं दो एंगल सेम ने, तो तीसरा अपने आप सेम होगा। सो बाय एंगल 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 क्राइटीरिया ट्रीएंगल ए बी डी सिमिलर होगी ट्रीएंगल ई सी एफ दे। सो रिजल्ट इज़ प्रूव्ड, ओके बेटा।